subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। आज की वीडियो में हम आपको मौजूदा वायरस के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या हम इस वायरस से छुटकारा हासिल कर सकेंगे या नहीं, क्या ये वायरस तमाम एहतियाती तदाबीर के बगैर खत्म हो जाएगा या नहीं, इस वायरस की वैक्सीन कितनी मौसर है, इस वायरस की हमारे माहौल में मौजूदगी की वजह से हमारे माहौल और इंसानी रवैयों पर क्या असरात मुरतब हुए। दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये वायरस तमाम टेस्टों, मास्क और वैक्सीन के बावजूद खत्म हो जाएगा। और अगर ये वायरस खत्म नहीं होता तो आप कैसा महसूस करेंगे और इसके साथ जिंदगी कैसी होगी। बदकिस्मती से ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनकी वजह से ये कभी खत्म नहीं होगा और ये ऐसे ही रहेगा। ये वायरस जानवरों जैसा कि चमगादड़, पेंगुलिन, चीते और चूहे के जरिए फैल सकता है, क्योंकि इस वायरस का आगाज भी जानवरों से ही हुआ था। इसके अलावा भी ये वायरस और बहुत से तरीकों से फैल सकता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि इस वायरस की वैक्सीन कितनी मौसर है। ये वायरस मुसलसल तब्दील हो रहे हैं और इन तब्दीलियों की वजह से इनकी वैक्सीन्स भी मुकम्मल तौर पर पुरअसर नहीं हैं, और ये वायरस वैक्सीन्स के बावजूद भी हमें बीमार कर सकते हैं। इन वायरसेस में मुसलसल तब्दीलियों की वजह से लोग इतने लंबे अरसे तक एहतियाती तदाबीर जैसा कि मास्क पहनना और सामाजिक फासला वगैरह नहीं अपना सकते। वैक्सीन्स भी सिर्फ इसी वक्त मौसर साबित हो सकती हैं जब लोग इसके लिए तैयार हों। अगर लोग वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दें तो वायरस के लिए लोगों को बीमार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह वायरस का फैलाव आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और एक वक्त आएगा ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वैक्सीन लगवाने से इनकार करेंगे और इसके नतीजे में ये वायरस मुकामी सतह पर दोबारा फैलना शुरू कर देगा। क्या ये वायरस शुरू से ही हमारे माहौल में मौजूद थे या नहीं? जी हाँ, ऐसे ये वायरसेस और ऐसे और बहुत से वायरसेस कई दहाइयों से हमारे माहौल में मौजूद थे और ये बच्चों में हल्के बुखार और बड़ों में खतरनाक बीमारियों का सबब बनते थे। लेकिन इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ मुदाफत पैदा कर ली, तो इस मुदाफत की वजह से आज तक हम इस वायरस को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए। कोविड 19 एक नया वायरस है और ना ही हमारे जिस्म का कभी इससे सामना हुआ। यही वजह है कि हमारा मुदाफती निजाम इसके खिलाफ मुदाफत पैदा नहीं कर पा रहा और जिसकी वजह से ये इतना खतरनाक साबित हुआ। लेकिन हमारा मुदाफती निजाम आने वाले वक्त में इसके खिलाफ मुदाफत पैदा कर लेगा। इस वायरस की वजह से इंसानी रवैयों पर क्या असरात मुरतब हुए? अगर हम इस वायरस की तारीख का मुतालिया करें तो हमें मालूम होगा कि इस वायरस के दौरान लोगों ने घरों में रहते हुए बहुत से नए मशगले तलाश कर लिए और लोगों के घरों में रहने से माहौल में एक मुस्बत तब्दीली देखने में मिली, जो कि एक खुशायन बात है। क्या इन वायरसेस की वजह से माहौल में वाकई कोई मुस्बत तब्दीली आई है? जी हाँ, लोगों के घरों में रहने से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 8% तक कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारी फिजा में गर्मी की शिद्दत में एक खासा कमी देखने में मिली है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। इस वायरस को खत्म करने का अभी तक कोई खास तरीका मुतारफ नहीं हो सका, लेकिन अगर हम इसकी एहतियाती तदाबीर को अपनाएं तो आने वाले वक्त में हम ना सिर्फ एक दूसरे से हाथ मिलाने के काबिल होंगे बल्कि एक दूसरे से गले भी मिल सकेंगे। शुक्रिया।